जुड़े देखो उत्तर प्रदेश बार देश में प्रधानमंत्री आवाम को लोगों जुड़ रहे हैं, उनके मन की बात कर रहा हूँ, उनके शहर की खैरियत पूछ रहे हैं, घर के बारे में पूछ रहे हैं, लोग खुश हैं हर एक से जुड़ रहे हैं। आज अगर हम कहें तो 100 एपिसोड था, लेकिन शायद सबको आभार जताया उन्होंने। कैसे आप लोग देखते हैं और आने वाले समय में आपकी भूमिका क्या है? देखिए, भारतवर्ष विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र, नरेंद्र मोदी ने लाइव आकर मन की बात की, काफ़ी बड़ी तादाद में मुस्लिम समाज भी इसको देखा है, आपको कैसा लगा? हमको बहुत बहुत खुशी महसूस हुई कि कम से कम आज हमारे मोदी साहब ने मुसलमानों को एक करने का जो कार्यक्रम शुरू किए हैं उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत हमारे को खुशी महसूस हो रही है। कैसा खुशी महसूस हो रही? मोदी साहब ने तो कहा सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास, कहाँ हुआ मुसलमानों का विकास? अरे हुआ नहीं तो अब होगा। हाँ, जो है ना मुसलमानों के लिए सहूलत का जो है तो सहूलत जो तो पहुंचाने वाले काम होने वाले है, उसकी वजह ये है कि आगे गरीबी में जो मुसलमान है उनका घर कुल बनाना है क्या, और जो है ना जो तकलीफ है हमारी कौम को मुसलमानों को उनका जो तो हमारे मोदी साहब जो तो आगे चल के जरा अच्छा काम करके जो तो उनको तसल्ली दे। मन की बात के ईद मिलाद के प्रोग्राम पे अकबर खान साहब ने जो हमको शिरकत की दावत दी थी, ये 100 एपिसोड हमको देख के यकीन हो गया अभी कि हमारा भी दिल चाह रहा कि भाई बातें तो बड़ी अच्छी बताई इसमें, इसके पहले हम देखते नहीं थे, लेकिन इंशाल्लाह हम मन की बात से जुड़े और हमारे तमाम साथियों को भी इंशाल्लाह इसमें जुड़ने के लिए कहेंगे। और बहुत मेहरबानी है अकबर खान साहब की जो हमारे लोगों को एक जगह जमा करके मन की बात जो बताए इन्होंने। और मैं तमाम मुस्लिम भाइयों से एक बात कहना चाहूँगा कि हमारे पास वो लिखा हुआ है भाई अमर बिल मारूफ व नहा अन मुनकर, लोगों को अच्छे काम की दावत दो। जब हम इन लोगों से जुड़ना शुरू करेंगे थोड़ा नरम पढ़ के जुड़ो, तुम्हारे को इज्जत देने के लिए तैयार है गैर लोग भी, तुम थोड़ा नरम बनो, थोड़ा आपस में बिखर मत जाओ, सब एक होकर तय करो मामला, हमको हिंदुस्तान में रहना है और सब मिलजुल के रहना है। और मैं बड़ा अच्छा लगा मेरे को मन की बात का उनका सुनकर, जो जगह जगह कचरा वगैरह साफ सफाई हो रही है उसमें मुस्लिम समाज भी जुड़ गया है। हमेशा मैं हर साल ईद मिलन का प्रोग्राम रखता हूँ, पर मोदी जी का जो 100वां जो प्रोग्राम था मन की बात का, उसका जो उत्सव था और उसकी जो लोगों को सुनने की ख्वाहिश थी कि भाई एक बार 100वां जो एपिसोड है, जो 100वां प्रोग्राम है मन की बात का मोदी जी का, वो प्रोग्राम देखने के लिए तो मेरे दिन में ख्याल आया कि भाई चलो ईद मिलन, और ईद मिलन के साथ साथ लोगों के है कि नहीं मिठास के साथ मोदी जी का प्रोग्राम देखे और मीठे से देखे, और लोगों के दिमाग में ये बात बैठे कि मोदी जी हर समाज का जो विकास कर रहे हैं, हर समाज को जो घरकुल से योजना से लेके राशन योजना से लेके कोरोना काल के अंदर जो टीके है उसको लेके हर समाज को बरोबर रखा, जिस तरीके से उन्होंने सबका साथ सबका विकास और 125 करोड़ जनता का मैं जो प्राइम मिनिस्टर हूँ वो काम करते हुए आगे बढ़ाया, पन इस बात को अपोजिशन ने इतना दिमाग में बिठा दिया माइनॉरिटी के कि जैसा कांग्रेस पार्टी के लोगों ने कि बीजेपी और मोदी जी और बीजेपी में काम करने वाले सभी लोग मुस्लिम के दुश्मन है, पन ऐसा मुस्लिम समाज के अगर दुश्मन अगर है तो वो लीडर दुश्मन है जिसने मुस्लिम समाज को विकास के नाम पे वोट लेके गायब होगा। मुसलमानों का वो दुश्मन है जिसने मुसलमान को भड़का के दंगे के अंदर डाला और दंगों के अंदर उनके केसेस करा दिया। मुसलमानों का वो दुश्मन लीडर है जिसने मुसलमानों को पैसे की लालच देकर वोट डालने की आदत डाला। मुसलमानों का वो दुश्मन है जिसने मुसलमानों के बच्चों को लीडरशिप के अंदर पीछे रख के गुनहगारी के अंदर क्राइम के अंदर डाल के आरोपी बनाया, वो मुसलमानों का दुश्मन है। मुसलमानों को अच्छे रास्ते पे छोड़ के और गुत्तेदारी के अंदर बोगस बिला उठा के एरिए के विकास नहीं करके काम करने वाला वो मुसलमानों का दुश्मन है। मुसलमानों के बच्चों का एजुकेशन का जो पैसा आता गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट से वो पैसों का मिसयूज करके अपने खानदान के लोगों को नौकरी पे लगाना वो मुसलमानों का दुश्मन है।
नांदेड़ शहर में पहली बार कम कीमत में अच्छे डिजाइनर और कम रेंज के बेहतरीन ड्रेसेस का खजाना क्विंस डिजाइनर एंड एम्पोरियम बाबा पेट्रोल पंप के करीब बरकत कॉम्प्लेक्स रोड नांदेड़। यहां पर गरारा, लांचा, फ्रॉक, शरारा, स्पेशल सूट, गाउन वगैरह नए रेंज के कपड़े मौजूद है। यहां पर बड़े शहरों से हैदराबाद, मुंबई, कोलकाता, सूरत, लखनऊ से चुनिंदा फैशनेबल कपड़े एक ही छत के नीचे दस्तियाब है। एक बार जरूर तशरीफ लाए। प्रोप्राइटर मोहम्मद आमिर। नांदेड़ शहर का भरोसामंद किड स्मॉल ब्रांडेड कलेक्शन में अलग अलग डिजाइनर के खूबसूरत कपड़े नहायत ही वाजबी दाम पर दस्तियाब है। इस मॉल की खासियत जिसमें 4 साल के बच्चों से लेकर 14 साल की उम्र तक के बच्चों के लिए खूबसूरत डिजाइनिंग के कपड़े दस्तियाब है। हमारे यहाँ टी शर्ट, जीन्स, फ्रॉक, सदरी, पठानी के अलावा तमाम किट्स नहायत ही कम कीमत पर फरोख्त किए जाते हैं। एक बार ज़रूर तशरीफ़ लाए। हमारा पता इकरा उर्दू स्कूल, देगलूनाका रोड, नांदेड़।